असल में गैस मैं उठने में थोड़ा लेट हो गया हूँ और आज कज़न की शादी है और आपको पता है सर्दियों में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता। एंड फिलहाल फटाफट उठते हैं एंड मीटिंग अटेंड करते हैं। सबसे पहले ऑफिस का काम है, वो मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. अब फटाफट रेडी हो जाते हैं और ऐसे ही फैमिली फंक्शंस में एक मज़ेदार बात होती है कि हम अपने कज़न से मिलते हैं और मैं अपनी भांजी से भी मिलूँगा। गाइस आपको मेरा बियर्ड स्टाइल और हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम रेडी हो चुके हैं तो अब हम फटाफट निकलते हैं। खैर हमें जाना है पाम स्प्रिंग जो कि नारायणा में है और फंक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे ऑफिस का काम करना था, तो मैंने अभी जस्ट फिनिश किया है एंड फटाफट मैं निकलता हूँ। अभी हम आश्रम तक पहुँचे और ये दिल्ली की सबसे ज़्यादा जाम वाली जगह है और अभी शाम का समय हो रहा है, तो जिस रोड से मैं जाना है धौला कुंवारी रोड में, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता हुआ जाम है। खैर अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट हम वहाँ पहुँचते हैं। डेढ़ घंटे की ड्राइविंग के बाद अब मेरे को लगी है भूख, तो हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। अब आया आराम और फोटोग्राफर को आपको पता है टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता और फाइनली अब सिस्टर भी मिल गई है, तो अब हम थोड़ा क्रेजी फोटो शूट करेंगे। दीदी कॉफ़ी चाहिए। अरे सुनो ना, सुन क्यों नहीं रहे हो दीदी? सुनो ना दीदी, मैं आपके लिए आईफोन लाया हूँ। हाँ ये तो सुन लिया। खैर हमें भी मौका मिल गया मॉडल बनने का, अब आएगा मजा गाइस, बस फोटो अच्छी खींच जाए भगवान। अब आप सोच रहे होंगे जिनकी शादी उससे हम मिले ही नहीं, तो चलिए उनसे मिलवाते हैं। गाइस आप यहाँ पे रुको, मैं भी थोड़ा और फोटो शूट करके आता हूँ और जाना मत अभी आप, अभी हम आपको दूल्हे राजा से भी मिलवाएंगे।
बाय।